अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, और सुबह तो खैर हो चुकी है, हम सब नाश्ते से फ्री भी हो चुके हैं। तो भाई मदर्स डे, तो जो जो मदर्स मेरा ब्लॉग देख रही है, तो मेरी तरफ से बहुत 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 हैप्पी मदर्स डे। तो भाई ये कमेंट्स मत कीजिएगा कि भाई मदर्स का कोई एक दिन नहीं होता, अब रोज़ मदर्स का दिन होता है। तो ठीक है, सही है, बात सही है बिल्कुल आपकी, लेकिन हम रोज़ तो कुछ स्पेशल नहीं कर रहे होते। तो आज हमने सोचा है कुछ स्पेशल करने का, तो आप लोग भी स्पेशल करें, हमने भी कुछ प्लान किया स्पेशल करने का। तो हमने कुछ यूँ प्लान किया है कि हर रोज़ मम्मा हमें खाना बना बनाए खिला रही होती हैं, दावतें कर रही होती हैं, और हमारी पसंद का बहुत ख्याल रख रही होती हैं। तो आज भी हम सब ने ऐसे ही कुछ प्लान किया है कि सब सिबलिंग्स मिलकर हम लोग मम्मा की पसंद की चीज़ें बनाएंगे, और पसीना की तारा बहुत गर्मी हो रही है, और वन डिश करेंगे, वन डिश पार्टी करेंगे, और मामा की पसंद की चीज़ें बनाएंगे और उन्हें सरप्राइज़ देने वाली हैं। ये कंजा लड़का मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है मुझसे, लेकिन अच्छा। और हम क्या क्या बनाएंगे वो आप मेरे साथ रहिएगा जब तक। वैसे मैंने तो डिसाइड कर लिया है मैं क्या बनाऊँगी, तो मुझे उसका कुछ सामान लेने जाना है मार्केट, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं क्या बना रही हूँ, मैं वैसे मैंने बहुत इजी चीज़ ली है, लेकिन ये कि मम्मा की फेवरेट है, तो मैं फ्रूट चाट बनाने वाली हूँ, वो भी क्रीम वाली। और बाकी चीज़ें आपको वहीं पहुँच के दिखाऊंगी सब क्या क्या बना के लाएंगे। तो चले भाई मार्केट चलें, मिलते हैं, बाय। और हाँ, आप लोग भी कुछ स्पेशल करें अपनी मम्मा के लिए, है ना, करना चाहिए ना मम्मा के लिए स्पेशल। थैंक यू। चलो भाई, मेरा मदर्स डे गिफ्ट मुझे मिल चुका है, अब बारी है मेरी मम्मा की, बाय। हम जा रहे हैं फ्रूट्स लेने मार्केट, और बच्चे भी साथ हैं, क्योंकि कहीं भी जाते हैं ये दो बच्चे जरूर हमारे साथ होते हैं। करीबी मार्केट में हम पहुंच गए हैं फ्रूट्स की, और हम डिफरेंट फ्रूट्स सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई आज हम कौन कौन से फ्रूट्स डालेंगे अपनी फ्रूट चाट में। तो सिलेक्शन हमारी जारी है। तो भाई फ्रूट्स लेके मैं घर आ गई हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ ताकि मेरे काम जल्दी जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी मुझे फ्रूट्स कटिंग भी करना है और बहुत टाइम लगता है कटिंग करने में। और फिर से ये मैंने बनाई है मामा के लिए, अब मैं जो इसे गार्निश करना है। टाइम, माय डिश इज रेडी। ये मैंने अब्दुल्ला को रेडी कर दिया है, मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, और ये मैंने एनवलप्स भी रेडी कर दिए हैं, एक मेरी मम्मा का है, एक मेरी अम्मी का है, यानी मेरी मदर इन लॉ का। वाओ, चलें अब मैं रेडी होने वाली हूँ, मुस्तफ़ा भी रेडी हैं, हम सब मामा घर पहुंच गए हैं, और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं फुल मस्ती में, और बाकी तैयारियां चल रही हैं। आई मैं आपको बाकी की तैयारियां दिखाती हूँ। चलिए भाई, मैं तो हो गई हूँ रेडी, और बच्चे भी रेडी कर लिए थे, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अब्दुल्ला की नानी के हूँ, और अपनी डिश ले आई हूँ, बाकी यहाँ पे सारी अभी तैयारियाँ चल रही हैं। तो जैसे जैसे डिश रेडी होती रहेगी मैं आपको दिखाऊंगी हम सब ने आज क्या क्या बनाया है पार्टी में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, चलता है, गर्मी है तो क्या हुआ, पार्टी तो करनी है। तो भाई ये रेडी हो रहे हैं स्ट्रीट बन कबाब बायुष्णा, और बहुत यम्मी लग रहे हैं। मरियम अपने डिश लेकर आई हैं। यस, ये बर्गर्स बनाया उष्णा ने, मम्मी गई हैं ऑलमोस्ट, और डिश लग रही हैं। ओ वाह, दिला भी क्या लाया मेरे लिए। और आप क्या बोलोगे? हैप्पी हैप्पी मम्मा बाबा, हैप्पी मम्मा बाबा, मम्मा बाबा, हैप्पी मम्मा डे। वाह, तो ये दोस्त के पास गए थे आप? जी जी, ये मम्मा वो देने चली गई, किसको देने चली गई?
तुम दे देना। अरे बर्गर ठंडे हो गए, ये घर के हैं। यस होम मेड एवरीथिंग, जो अच्छी लग रही हैं। तो भाई हम लोग की सारी डिश रेडी हो गई हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सारी डिशेस। ओके हाय, इन लोग इसने कुछ नहीं बनाया है, मैक्रोनी बनाई है मैंने, कटिंग की है, कॉस्लो बनाया है, इसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, और इसने जो गली में ठेले वाले बर्गर बनाए हैं, स्ट्रीट बर्गर, अंडे वाला बर्गर। ये मेरी डिश है और सबसे बेस्ट है। चुप करो, हाथ उठा लो प्लीज। अच्छा फ्लैश ऑन कर दोगी? ये केक किसने बनाया? उष्णा, उष्णा दी ग्रेट। वाओ ये डिश तो बहुत यम्मी लग रही है। चले मम्मा कट द केक। फ्री हो गए और हमने सब ने डिनर भी कर लिया, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और मैंने अपना फुल ड्रेस आपको नहीं दिखाया था, इसलिए मैंने सोचा इस मिरर में क्यों ना दिखा लिया जाए। तो चलें अब मैं करने लगी हूँ अपना व्लॉग एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और दिन के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ख्याल। बाय बाय।